अच्छाई से बाबा की मुरली सुनो, रिवाइज करो, गुरु ध्यान करो, कभी फरिश्ता बन करके सेवा करो, कर्म करो, स्थित हो जाओ। अगर इस सर्किल में रहोगे ना, कभी बाबा से बातें करते हुए, कभी कर्म करते हुए, कभी योग में बैठ करके, कभी मुरली सुनते हुए, तो निरंतर योगी बन जाओ। एक जैसा नहीं करो, आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, एक जैसा करोगे तो बोर हो जाओगे। कुछ ना कुछ नया नया रू ध्यान करो, बातें करो, सच्चे दिल से बाबा को अपना काम सौंपो, बाबा से शक्ति लो, ऐसे करोगे तो निरंतर योगी जीवन बन जाएगा। ऐसे करते वाले कभी तन से कर रहे हैं, कभी मन से कर रहे हैं, कभी धन से कर रहे हैं, कभी मन उत्साह दूसरों को बढ़ा रहे हैं, बाबा का परिचय दे रहे हैं। तो जिससे जो सेवा करना चाहो कर, निरंतर सेवादारी, निरंतर योगी ऐसा बन करके अब बाबा को प्रत्यक्ष करने का समय है। हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिले, कहना ना पड़े तो ब्रह्मा कुमारी में जाओ, कहोगे तो कहेंगे पता नहीं क्या है क्या। इसके तनाव की दुनिया में हमारे चेहरे पर तनाव के चिन्ह ना है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में हमारी स्थिति जगमग ना हो, रोना धोना ना है, कैसी भी घटना घट जाए लेकिन हमारी स्थिति अच्छा होगा। फिर देखो आपको कैसे फॉलो करते हैं। एक माता, उसका एक होता तीसरा बच्चे का बच्चा था, या बच्ची का बच्चा था, पढ़ रहा था, एक ही इकलौता बेटा घर में, पढ़ने के लिए उसको भेजा और कुंवर पर गया था घूमने, बस में गया होगा बच्चों के साथ, वो सागर में नहाने उतर गया। सागर में नहाते नहाते वो बच्चा कहाँ घूमेंगे मिलेंगे, बहुत मेहनत, बहुत ढूंढने वाले आए, पुलिस वाले आए, बड़ी देर के बाद 5-7-8 घंटा की मेहनत के बाद उसकी लाश मिली, एक बच्चा। और जब समाचार घर में आया तो क्या मातम का दृश्य, रोना रोना रोना, ये वो, लेकिन वो बाबा की ज्ञानी आत्मा बच्ची मृत गई बाबा की आत्मा, उस आत्मा का ही पाठ था, इतना ही समय पाठ था। बाबा ने कहा आत्मा तो मरती नहीं कटती नहीं, उन्होंने अपना ज्ञान रिवाइज किया और बहुत अच्छी स्थिति में बैठी। उसको माताएं बुलाएं, कहीं इसके ऊपर शौक ना आ जाए, ये ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कह मुझे बुलाओ नहीं, मेरे कुछ नहीं बोलो, वो बाबा की गोदी में है, बच्चा कहीं नहीं गया है, मैं जानती हूँ बाबा उसको अपने पास ही रखे हैं। इतना प्यार से बाबा की याद में रही, बच्चे की लाश घर में आई, चारों तरफ से हंगामा था, लेकिन माता की में जो स्थिति, उस स्थिति को देख करके उसके सारे परिवार वाले ज्ञान में, क्योंकि ऐसा तो कहीं ज्ञान ही दुनिया में किसी ने नहीं दिया। कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जब पेपर आता है तो रोना धोना ये वो सब चलता है, और इसने तो सचमुच ज्ञान को जीवन में उतारा। तो अगर ऐसे ज्ञान जीवन में आ जाएगा ना, कोई भी परिस्थिति आए, कभी कोई घटना घटे, स्थिति जरा भी डगमग ना हो, फिर देखो आपके पीछे पीछे लोग लगेंगे, इतना ऊंचा ज्ञान लोग कैसे टेंशन में जी रहे हैं, और आप लोग तो बेफिक्र बात ये एकदम उनके पास भगवान हमारा है, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बना।